पिथौरागढ़ जनपद में क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचकर वहां पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग का प्रतिनिधित्व करने पर लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग हॉल, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के लिए रुकने और अभ्यास करने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं उन्होंने वहां पर उपस्थित कार्यदायी संस्था और ठेकेदार को निर्देशित किया कि वो निर्माण कार्य में बिल्कुल भी लापरवाही न बरते, साथ ही गुणवत्ता के साथ साथ प्रगति कार्य की गति पर भी ध्यान देते हुए कार्य को जल्द समय से पूरा करने के निर्देश दें। आपको बता दें कि फरवरी माह में पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग होनी है, जिसके लिए देश भर से खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक और निर्णायक आएंगे। इसीलिए उनकी सहूलियत को बारीकी से ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाए। आज हमारे संज्ञान में आया था कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है और उसमें जो बॉक्सिंग की खेल प्रतियोगिता है हम लोग में स्पोर्ट्स कॉलेज में संपन्न होगी, तो इसी सिलसिले में हम स्पोर्ट्स कॉलेज में बॉक्सिंग सीजन में निरीक्षण करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर भी काम ठीक चल रहा है, पर तेज गति से चल रहा है और 15 फरवरी से प्रतियोगिताएँ शुरू हुई बताया गया है। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक शायद ही यहाँ पर काम पूरा हो पाए, तो प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि इसमें विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक प्रदेश के मान सम्मान का प्रश्न है और पिथौरागढ़ के मान सम्मान का प्रश्न है। तो ठेकेदार पर दबाव बनाकर और संसाधनों को और ज़्यादा उपलब्ध करते हुए उस स्टेडियम को अति शीघ्र पूरा करना चाहिए। काम की क्वालिटी अच्छी है, काम निर्माण की गुणवत्ता अच्छी है, पर काम बहुत विलम्ब से हो रहा है। नगरपालिका बेरीनाग के बना वार्ड के लोगों ने नगरपालिका कार्यालय बेरीनाग में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि नगर क्षेत्र से जुड़ने के बाद भी एक दशक से अधिक हो गया है, लेकिन गांव को सड़क की सुविधा से वंचित रखा गया है। पूर्व में सड़क की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आज बनावासी यहाँ पे अपनी रोड की मांग लेके आए हैं, जिसमें कि हमको काफ़ी टाइम से कहा जा रहा है कि रोड आएगी आएगी और रोड आ नहीं रही है, जिसके कारण से हम लोगों को क्या है कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हम लोगों को कभी बच्चों को छोड़ने की दिक्कत है, बच्चों को लाने ले जाने की दिक्कत है, और अगर कोई बीमार होता है, मरीज होता है, तो उसको लाने ले जाने में हमें काफ़ी दिक्कत और परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और इस हमसे हर बार कहा जा रहा है कि रोड आएगी आएगी, बट हमें रोड नहीं आई, और जबकि सरकार ऐसा कह रही है कि हर गाँव में रोड और सड़क मिलेगी, बट हमें नहीं मिलाई, नहीं दी जा रही है। तो अगर आपके द्वारा हमारी ये बात नहीं सुनी जाती है, तो हम अपने आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। बनकोट में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर हरुसैम मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ के मौके पर महिला ने गांव से होते हुए बनकोट कस्बे से हरुसैम मंदिर बनकोट तक भव्य कलश यात्रा छोले नृत्य और ढोल नकाड़ों के साथ निकाली, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। कथावाचक हरिद्वार निवासी व्यास आचार्य चंद्रशेखर पंत ने बताया कि 7 दिनों तक दैनिक पूजा, जप, नित्य कथा, प्रवचन, आरती, प्रसाद वितरण सहित 8 दिसंबर को पूर्णाहुति, भंडारा और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर पहुंचे एक ग्रामीण कारोबारी की कहासुनी पौड़ी के एक व्यवसायी के साथ होते हुए नजर आई। बौंसरी गांव से आए हुए ग्रामीण कारोबारी तथा उसकी मां का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व यहां पर सामान ले गए थे, लेकिन वो एक्सपायरी डेट का निकला। जब वो सामान को वापस करने के लिए पौड़ी पहुंचे तो व्यवसायी ने मना कर दिया। इस दौरान उनकी कहासुनी को देखते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक असवाल ने एक्सपायरी डेट का सामान देने वाले व्यवसायियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं हो हल्ला देख सुनील अग्रवाल व्यवसायी ने अपना बेचा गया सामान वापस लेने को लेकर राजीनामा कर लिया। वहीं मामले में जिला अभियुक्त अधिकारी ने जांच की बात कही है। बताया गया है यदि ग्रामीण कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जांच में पुख्ता सबूत मिलने पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले व्यवसायी पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर मुझे सूचना दी है कि बस स्टेशन में कोई मेला है, उसने किसी एफबीओ पर ये आरोप लगाए हैं कि एक्सपायरी माल हमें बेचे हैं। तो मैंने दुकानदार के द्वारा मुझे बताया गया है कि महिला द्वारा मेरे यहाँ से माल नहीं खरीदा गया है। मैंने महिला को भी, अभी महिला से मेरी बात नहीं हुई है, मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि महिला ने सामान उस एफबीओ से ख़रीदा है तो महिला को भी ये प्रूफ देना होगा कि उसी दुकान से ख़रीदा है, और GST पर, ताकि प्रूफ पता चले कि उस दुकानदार के द्वारा ही ये विभिन्न खाद्य सामग्री परचेज की है। और महिला यदि दुकानदार है तो महिला दुकानदार को भी
मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि वो खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत करें, और यदि 18-20 का लाइसेंस है तो मेला से भी ये जांच होगी कि भाई वो जीएसटी के बिल के आधार पे उनके द्वारा प्रूफ के रूप में दुकानदार से बिल प्रस्तुत करने को कहा गया है, और तत्पश्चात यदि जो भी होगा वो जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैं डायरेक्शन दिया है कि वो सत्यता की जांच करें। कारण ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इतनी जरूर है कि आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैंने निर्देशित किया गया है कि सत्यता की जांच करें और उसकी सूचना मुझे दें। पूरा एक्सपायरी डेट का दुकान से मेरे बेटे को फोन किया गया, वहाँ से यहाँ से इसने थैले भर के बिल नहीं दिया, पूरा एक्सपायरी डेट का नकली सामान पकड़ा है मेरे बेटे से। पूरा मैं सामान लेके गाड़ी बुक करके आज इसके दुकान में आ गई। अब इसके नौ मेरे पासबुक भी ला रखी है, इसमें 10 लाख निकाल रखे हैं एक बार के, 8 लाख एक बार के निकाल रखे, पूरी दुकान मेरे बेटे से पैसे लिए, इसने पूरा सामान इसने इसकी दुकान से कोई भी पक्का बिल दिया, इसने एक बिल भी नहीं दिया। बेटे की गलती थी मेरी हुई ना, जो इससे ले गया पर जानी इसने क्या किया इसके दिमाग को, जिसने बोला कि एक बोरी बोला होगा मूंगफली के देने, तीन तीन चार चार बोर दी, वो इतनी इतनी ढेर साल गुड़पट्टी दे दी, इतनी दी एक सामान बोला होगा, इसने 20-20 सामान दे दिया। बेटे को ठग दिया इसने, सीधा साधा बेटे को ठग दिया। देखो ये उसके हालत आज 5 दिन से आज बोला मैं जहर खाता हूँ, मेरे बेटे को भी कुछ होगा तो मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसको भी, इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे आदमी आज अप्रैल में आए और अप्रैल में सारा पैसा पूरा पासबुक का निकाल के मेरे बेटे को पता नहीं इसने क्या खिलाया, जो पूरा पैसा लेकर और पूरे पैसे लेकर इसके दुकान में लाए गड्डी की गड्डी। ये कहाँ का है, कहाँ का है दुकान का, मेरे को तो आज चला पता भैया, मुझे तो ये तो पता है मेरे को ये बाहर का है, लोगों को ठग रहा है, ये नकली मार रख के एक्सपायरी डेट सर जनता को मारे गई। मैं तो चाहती हूँ कि खास सख्त सुखारा कितनी सामान रख ले और मेरा पैसा दे दे तो मैं इसी में संतोष हूँ। कितना मेरे तो चले गई 18 लाख, 18 लाख तो चल गई, 18 लाख जा रखे मेरे खाते से। पूरा सामान इसलिए जाते, शुरू से मैंने दुकान खोली, मैंने 5 साल से पूरा सामान यही जाते मेरा, एक सामान की जगह मैंने 10 बिस्कुट डाल देते मेरे पास से। हाँ। तो मैंने देखा पूरा इसको ओवर 150 सामान है पूरे, इसका 2020 का 22 का पूरा पूरे सब ठीक है, ले जाते रहो तो हफ्ते भर में कोई चीज खत्म हो जाए तो देता नहीं था मुझे, मुझे बिल देता नहीं था, पर्ची में बना के देता मुझे। देखिए मैं अभी घर जा रहा था तो एक आंटी रोटी यहाँ पे दिखी, मैंने आंटी से पूछा आंटी रोटी रो, उनका कहना ये था कि बेटे मेरे वो बौसरी की आंटी, जब रोए तो मुझे अच्छा लगा पूछने गया, तो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को विगत कई समय से ये लोग जो सामान दे रहे हैं ओवरडेट सामान दे रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए का उसका सामान ले गया और सारा जो सामान था ओवरडेट है, आज वो अपना सामान लेके वापस आए तो ये लोग मुकर रहे हैं, उल्टा उसे धमका रहे हैं। ये बाहर के लोग हमारे गढ़वालियों पे यहाँ पे हावी हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक तरफ मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि इस आदमी की दुकान पौड़ी शहर में है, बस अड्डे के नजदीक है, और इसका सारा सामान आधी रोड में पड़ा रहता है जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है, और प्रशासन कुछ नहीं कहता। तो आंटी आई थी मेरे पास, तो मैं मेरा ही कहना है प्रशासन से कि जो इस तरीके से घटनाएं हैं इन पर रोक लगाई जाए। ओवरडेट सामान जैसे कि जो हरिद्वार की आपने घटना बताई उसमें एक बालिका के साथ उसकी तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो ऐसे जो ओवरडेट सामान खाएगा तो ठीक नहीं है, मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो मेरा निवेदन है जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब रावत जी हैं कि साहब ऐसे दुकानदारों की दुकानें होनी चाहिए। भाई साहब क्यों हो रहा है ऐसा, ये क्या मामला है? जो मामला ये है कि ये बंदा बाजार से कहीं से सामान ले गया होगा, है ना, 5 साल में आप बताओ कितना माल इकट्ठा होता दुकान में, अभी मेरे गले पड़ रहा है, मेरा सामान ही नहीं है, मैं वापस क्यों लूंगा? पर एक्सपायरी डेट का भाई से मैं क्यों लूंगा? आप मेरी दुकान में देखो ना एक्सपायरी है क्या? अगर आप मुझसे आज सामान लोगे तो मैं आज की डेट की गारंटी दूंगा, आप अपने घर ले जाके उसे संभाल के रखो तो मैं गारंटी थोड़ी दूंगा। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप महिला कुछ भी कहेगी, महिला की बात मानेंगे आप, मेरी भी तो मानेंगे, अगर मैं गलत हूँ आप बताओ मुझे। महिला कभी आई नहीं, झूठ बोल रहा भाई साहब। मैं वो परसों एक कट्टा मूंगफली ले गया, मैंने उसे बोला दूसरी मत ले जा, जब तक नहीं बिकेगी जबरदस्ती ले जा रहा हूँ, तो वो जिम्मेदार है क्योंकि मैंने उसका 3 कट्टे वापस ले लिए। मैं तो वैसे भी ऋषि गेट जा रहा था, मैं यहाँ था भी नहीं, मम्मी थी और भाई था, जब मेरा माल ही नहीं मैं वापस क्यों लूंगा? मैंने तो जितना मेरा सामान था मैंने लेके पैसे वापस दे दिए, मैंने तो बिना बोले दे दिए पैसे जितना मेरा सामान था, अब बाकी कबाड़ मैं तोड़ ही ना लूंगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।